हाय हेलो वेलकम डैड इन किचन। आज मैं बनाऊंगा मुंडी का गोश बाय। आज रेसिपी है मुंडी का गोश, बकरे का मुंडी। ये स्किनलेस करके लाया, स्किन निकाल के अच्छा पीसेस करके लाया। ये दो मुंडी का गोश है, आंख तीन ही दिख रहे और एक आंख कहाँ चुप गया नहीं मालूम। ओके, इसको बनाना बाय देखो ऐसा सुपर रहता। इसको फ्राई रोस्ट बनाना जबरदस्त रहता, देखो पकाना। बस इसको पकाने के लिए मेरे को फॉलो हो जाना। गैस सिलगाओ, गैस पे लगा लो कढ़ाई, अपनी कढ़ाई जबरदस्त है, पोछा मारो और कढ़ाई गर्म हो गई कि उसमें डालो तेल। बस दो कप तेल डाल लेना भाई, तेल थोड़ा ज्यादा रहे तो परवाह नहीं, जबरदस्त रहता। अब तेल गर्म हो गया, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छा तरह आराम से भून लेना भाई, मस्त नरम होने दो प्याज को। अच्छा नमक डाल लो, नमक डाल लेके आराम से एक दो मिनट प्याज को तेल में अच्छी तरह तल लेना। बस मस्त जबरदस्त, देखे कैसा तल रहा प्याज, आराम से दो मिनट प्याज तल लेना तेल में। बस और खुशबू के लिए थोड़ी कसूरी मेथी दोनों हाथों में रगड़ के डाल देना भाई, मस्त जबरदस्त खुशबू आता। बस अब इसको आराम से एक मिनट पका लेना प्याज को। प्याज देखिए थोड़ा नरम हो गया। अब डालेंगे इसमें मुंडी का गोश, बकरे का मुंडी का गोश। वाव जबान दिख रही, देखिए कैसा है जबान। बस इसको तेल और प्याज में अच्छा मिक्स कर लेना, पानी बिल्कुल नहीं डालना भाई। अभी गोश जो है ना अपना पानी रिलीज करता, जब तक पानी नहीं डालना। अच्छा तेल में मस्त मिक्स कर लो इसको, देखिए बिल्कुल ऐसे जबरदस्त भाई, आराम से तेल में मिक्स कर लेना, तेल में अच्छा भून लेना इसको, अच्छा तला तले जैसा कर लेना, तल लेना आराम से, मस्त नीचे ऊपर अच्छा मिक्स कर लेते तल लेना। वाव जबरदस्त, आराम से मिक्स कर लो भाई, इसको पानी बिल्कुल मत डालना, तेल में इसको अच्छा फ्राई होने देना। अब इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी डाल के आराम से मिक्स कर लेना भाई, इसको अच्छा मिक्स कर लो, पानी बिल्कुल नहीं डालना। देखो बस जैसा मैं बना रहा ना वैसा ही बनाते जाओ आप, देखे मस्त रहता भाई। कच्चापन गोश का पूरा कच्चापन चले जाना और हड्डी से गोश अलग होना, ऐसा मस्त पका लेना भाई, खाए तो मजा आता। हाँ पकड़ा देखो आराम से, अच्छा ढक्कन लगाएंगे भाई, ढक्कन लगा के 5-10 मिनट आराम से पकने दो गोश को। मुंडी का गोश है ना हड्डी बहुत रहता, मस्त नरम पकाना पड़ता। देखे पानी रिलीज कर दिया, देखो गोश अब वो पानी पूरा सूख जाना, जब तक आराम से हिलाते मिक्स कर लेते आराम से पका लो। मस्त भून रहा देखो तेल में गोश, ये जो गोश का पानी है ना सूख जाना। अब क्या करना, अपना पानी डालेंगे, एक लोटा पानी डाल लो, एक लोटा पानी डाल के आराम से पकने दो भाई, और एक 5-10 मिनट आराम से पकने दो। पूरा गोश गल जाने को 30-40 मिनट लगता, देखो अभी गोश डाल के आराम से पका लो, देखो आराम से देखेंगे कैसा उबाल आ रहा, देख रहे आहा मस्त बन रहा भाई। अभी देखो 10-15 मिनट हो गया, देखो अब तक चूल्हे पे गोश पक रहा, फिर भी देखे आंख कैसा दिख रहा, देखे आंख आहा, मुंह में डाल के जस्ट मिंगल लेना उसको, और ये है जबान। वाव कुरुम कुरुम लगता भाई खाना, मस्त खुराक के साथ खाना भाई, क्या करना करोना दोस्तों की बहुत याद आ रही भाई, जबरदस्त खुराक बना रहा हूँ देखो आपको। बस आराम से मिक्स करो, अभी ये पानी भी सूख जाना, ढक्कन लगा के आराम से और एक 5 मिनट पकने दो, निकाल के देखेंगे थोड़ा आधा पानी सूख गया, देखो आराम से मिक्स कर दो, बीच में देखते रहना भाई। बस और ढक्कन लगाओ और 5 मिनट पकने दो, अब देखेंगे, देखे पानी पूरा सूख गया भाई। पानी पूरा सूख गया देखे, मस्त जबरदस्त हो गया देखो। अभी पका क्या नहीं देखेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे भाई, अदरक लहसुन भी डाल के अच्छा पका लो,
स्टार्टिंग में नहीं डालना अदरक लहसुन, मैं कभी डाल रहा हूँ, जब भी डालना देखो अदरक लहसुन, जब भी सालन का मजा आता और जबरदस्त लगता। अच्छा मिक्स करना अदरक लहसुन में, डलिया क्या लगते भाई, और वो भी सर का गोश्त का डलिया, मस्त मजे के लगते। वाह, अभी पका क्या नहीं देखेंगे अपन। हाँ नहीं पका भाई, आए जा रहा है नहीं, गोश्त के अंदर चमचा जा रहा है नहीं और हड्डी से गोश्त अलग हो रहा है नहीं। चलो गोश्त डिसाइड हो गया, गोश्त नहीं पका, और एक लोटा पानी डाल के इसको पका लेंगे भाई, और एक 10 मिनट। पूरा 2 लोटा पानी हो गया देखो अपन को, अब ये पानी सूखने तक पकाते जाना जब तक गोश्त नहीं पकता। बस आराम से मिला दो। बस ढक्कन लगा के और एक 10 मिनट देख लेंगे भाई। देखिए अच्छा मस्त उबाल आ रहा, देखो अभी पक गया शायद गोश्त, मस्त पक गया, पानी भी पूरा सूख गया। वाओ मस्त रहा भाई, अभी देखेंगे पका क्या नहीं। आह पक गया भाई, देखे गोश्त हड्डी से अलग हो जा रहा, देखे आह वो हो गया भाई, पक गया गोश्त तो। चलो गोश्त पक गया, अभी इसमें डालेंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर भाई 3 चम्मच डाला भाई, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। वो अब मिला लो भाई, क्या कलरफुल हो रहा, देखे मस्त खुराक बन रहा भाई, पूरा खंबा खत्म हो जाता मस्त भाई। वाह वाह जबरदस्त, क्या करना भाई, ये लॉकडाउन से दोस्तों की बहुत याद आ रही, जाके मिलना नहीं हो रहा, बैठना नहीं हो रहा, महफिल जमाना नहीं हो रहा, खुराक देखे तो बस दोस्तों की याद आ रही भाई। वाह थोड़ा कलरफुल बनने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, बस खत्म हो गया, मस्त जबरदस्त हो गया भाई। आहा देखिए आंख कैसा हो गया, देखिए आंख, आहा एक पेग उठाना आंख मुंह में डाल लेना, कटक बोल के गिटक लेना। ओहो देखिए आंख, देखिए आहा जबरदस्त खुराक है भाई। मुंडी का गोश्त थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, आहा गरम मसाला का डाल दिए ना, अब इसकी खुशबू और इसका टेस्ट ही बदल जाता भाई। और एक मसाला है इसमें वो भी डाल देंगे, खत्म हो गया, पक गया गोश्त खत्म, फ्राई रोस्ट। बस धनिया पाउडर 1-2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लो, आराम से मिक्स कर लो, खत्म। वाह खत्म हो गया भाई, और क्या है, कोथमीर छिड़क दो और डिश आउट कर दो, हरा धनिया डाल दो थोड़ा, मस्त। वाह 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 जबरदस्त भाई, आहा खत्म, डिश आउट कर लो। देखिए क्या डलिया है भाई, वाह वाह आहा जूसी जूसी, वाह देखे भाई खतरनाक, ओहो सुपर सुपर। देखो निकाल के बताता मैं, आहा मुंह में पानी आ जा रहा, देखो देखे गोश्त हड्डी सेपरेट हो गया, देखो गोश्त आ कच्चा।